राधे राधे दोस्तों, मैं अर्चना सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल घर की रसोई में। ये देखिए दोस्तों, ये आज मैंने लौकी के पराठे बनाए थे, तो आप लोग भी देख लीजिए मैंने इनको किस तरह से बनाकर तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं बनाना लौकी के पराठे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हम लौकी के पराठे। ये मैंने लौकी ली थी और महीन मोटे वाले कद्दूकस से मैंने इसको इस तरह से ग्रेट करके लिया है। ये एक कप लौकी है और जिसके लिए मैंने ये आटा लिया है, एक कटोरी आटा है, आधा कप चावल का आटा, आधा कप बेसन, दो हरी प्याज बारीक कटी हुई, लहसुन 10 से 12 कलियां हैं लहसुन की, अदरक एक गांठ थी छोटी सी अदरक की जिसको मैंने महीन वाले कद्दूकस से ग्रेट किया, ये एक प्याज मीडियम साइज़ की महीन कटी हुई, ये शिमला मिर्च महीन कटी हुई, आधी शिमला मिर्च है दोस्तों, और ये हरे धनिया महीन कटे हुए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी का पराठा। इसके लिए हम सबसे पहले गेहूं का आटा अपने बर्तन में डालेंगे। ये चावल का आटा डालेंगे, ये सब छना हुआ है दोस्तों, ये बेसन, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने आटे को मिक्स कर लिया, हम इसे बड़े बर्तन में पलट लेंगे जिससे हमें डो लगाने में आसानी हो। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ये ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद फिर मिक्स कर लेंगे। ये हमने आटे को ऑयल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे, ये लौकी, इसका हमने पानी नहीं निकाला था लौकी का, ये शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया श्रद्धा अनुसार, हाफ टेबल स्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, ये कसूरी मेथी, ये होममेड कसूरी मेथी है दोस्तों, इस मेथी को मैंने घर में सुखा कर तैयार किया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पहले हम पानी नहीं डालेंगे, जो भी हमारी वेजीज हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम पानी डालेंगे। ये हमने अपनी सब्जी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और रोटी से थोड़ा टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपना डो बनाकर तैयार कर लिया, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही एकदम टाइट है, तो इस तरीके का डो हमें बनाकर तैयार करना है। अब हम इस पे एक टेबल स्पून ये सरसों का तेल लगा देंगे इस तरह से, और इसको मसल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, आटा हमने अच्छी तरह से मल के अपना तैयार कर लिया है। अब हम पराठा सेकेंगे, तो मैंने पराठा सेकने के लिए ये देसी घी लिया है दोस्तों, और ये होममेड है, इसको हम हल्का सा गरम करने के लिए रख देंगे,
और इस आटे के पेड़े बना लेंगे, मतलब लोइया बना लेंगे। तो लोइया आप लोग जिस हिसाब से छोटे बड़े पराठा बनाते हो। और ये हमने सूखा आटा लिया है, गेहूं का आटा है दोस्तों, और इसमें हम अपनी लोई को हल्का सा कोट करेंगे और इस तरह से झाड़ देंगे। अब हम अपने पराठे को बेलेंगे। तो इस तरह से हम जब भी हमारा आटा प्लेटफार्म पर चिपकने लगे तभी हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे। और इस तरह से बेलेंगे। अब हम इसके अंदर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस पराठे के अंदर इस तरह से हम घी अप्लाई करेंगे। आप लोग चाहें तो रिफाइंड ऑयल से या बटर, जो भी जिससे भी सेकना चाहें। और इस तरह से हम पराठे को फोल्ड कर देंगे और इस इधर भी हम देसी घी को अप्लाई कर देंगे आधे भाग में। और इसको इस तरह से मोड़ देंगे और फिर से हम सूखे आटे में अपने पराठे को कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा झाड़ देंगे आटा। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, कृपया करके अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्रदान करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए ये हमारे पराठे की आपको थिकनेस दिखाते हैं। अब हम थोड़ा सा देसी घी तवे पर लगा लेंगे। ये आयरन का तवा है दोस्तों, लोहे का, और इसे अपना पराठा डाल देंगे। गैस लो टू मीडियम। जब तक हमारा एक पराठा सिक रहा है तब तक हम अपना दूसरा पराठा बेलकर इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आइए अपना पराठा देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया हमारे पराठे पर। इतना सॉफ्ट और एकदम कुरकुरा पराठा बनकर तैयार होगा। आप लोग जो सब्जी खाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं और जो सब्जी ना खाते हो वो इसमें से निकाल भी सकते हैं। सर्दियों में बहुत फायदेमंद है, चाहे सर्दियों में बनाकर खाएं, गर्मियों में, जिस मौसम में भी, जब भी, नाश्ते में, डिनर में, बच्चों के लंच बॉक्स में। इस तरह से हम इसको दबाते हुए खस्ता होने तक सेकेंगे। बहुत ही फायदेमंद पराठा है दोस्तों ये। हम ये पराठा तवे पर से उतार लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेकेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, ये पराठा भी हमारा सिककर तैयार हो गया। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये पराठा भी हम निकाल के सर्व करेंगे। और अब मैं आप लोगों को पराठे की क्रंचनेस सुनाती हूँ। ये देखिए, और मैं आपको ये दूसरा पराठा भी, और
ये देखिए दोस्तों हमारे पराठे में कितनी अच्छी परतें बनकर आई हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो कृपया करके आप लोग भी मेरा सहयोग करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज के ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो ये लीजिए दोस्तों तैयार है हमारा डिनर, लौकी के पराठे और ये सब्जी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्जी किस चीज़ की है। तो जब आप लोग ये बता देंगे तो उसी दिन मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को यदि आज की लौकी के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।